लाखों श्रद्धालुओं की आस्था व श्रद्धा का प्रतीक मालखेत बाबा की 24 कोसीय परिक्रमा 8 सितंबर को गोगा नवमी के दिन लोहरगल से शुरू होगी। लोहरगल से शुरू होने वाले इस श्रद्धा के सफर में परिक्रमा में आने वाले श्रद्धालुओं का 7 दिन आसमान छत तो धरती बिछोना होगी। परिक्रमा करने वाले श्रद्धालु लोहरगल कुंड में स्नान करके पहाड़ी पर स्थित मालखेत बाबा के दर्शन कर गोल्याणा, चिराणा, किरोड़ी, साकमरी, नागकुंड, भगोवा, टपकेसर महादेव, शोभावती, खाके खड़ा, नीम की घाटी, डाब, पुनौरा, रुंगनाथगढ़, खोरी कुंड से होते हुए 24 कोस की परिक्रमा पूरी करके वापस लोहरगल पहुंचेंगे, जिसके बाद 14 सितंबर को अमावस्या के दिन लोहरगल कुंड में स्नान कर परिक्रमा पूरी करके अपने घरों की ओर लौटेंगे। गोगा नवमी से शुरू होने वाली मालखेत बाबा की 24 कोसीय परिक्रमा की अगुवाई ठाकुर जी की पालकी करेगी। लोहरगल में स्थित ठाकुर जी के मंदिर से संत महात्मा ठाकुर जी को पालकी में बैठाकर गोगा नवमी से परिक्रमा के लिए निकलेंगे। मालखेत बाबा की 24 कोसीय परिक्रमा का क्या महत्व है, इस बारे में लोहारगल कुंड पर स्थित लक्ष्मीनारायण राधा कृष्ण मंदिर के पंडित पवन शास्त्री ने विस्तार रूप से बताया। गोगा नवमी से जो ये परिक्रमा लगती है, ये परिक्रमा मालकेतु की ही परिक्रमा है। 24 कोसीय श्री मालकेतु परिक्रमा, तो ये ब्रह्म हृदय नीचे सरोवर है, ये उसी की परिक्रमा है। जो लोग कहते हैं कि ये फला उसकी तीर उसकी है परिक्रमा है उसकी है, ये सब मिथ्या है। सत्य ये है कि ये माल केतु की परिक्रमा है। माल और केतु दोनों दो भाई थे, और वो इस पर वो इस जो ब्रह्म हृदय सरोवर है इसमें समाहित हो गए थे। इसको ब्रह्म हृदय सरोवर को ढक दिया गया था उससे, तो उसके बाद में ही इसका नाम भी चेंज हुआ था, लोहारगल फिर हुआ था। उससे पहले इसका नाम शंख पद्म नाम था, और सतयुग में इसका नाम था ब्रह्म हृदय। तो ऐसे ऐसे करके इसके नाम परिवर्तन होते गए, और आज जो ये परिक्रमा जो अभी लगने जा रही है, तो ये परिक्रमा माल केतु की ही परिक्रमा मानी जाती है। और यहाँ विशेष रूप से यह अमावस्या का पर्व बड़ा माना गया है, तो अमावस्या पर ही पांडव ने यहाँ स्नान किए थे, और अमावस्या के दिन यहाँ तर्पण वगैरह किए थे। उसी के तहत इतने अनुयायी वैकुंठ गए थे, तर्पण से ही इतने अनुयायी वैकुंठ गए थे कि जो महाभारत में अक्षौणी सेना नारायणी सेना थी उसका पूरा विध्वंस हुआ। जितने भी अनुयायी मारे गए थे चींटी से लेकर हाथी तक, वो सब वैकुंठ गए थे। ये कलयुग की घटना है, इसीलिए ब्रह्मा जी ने भी कहा है एक बात कि कृतेतु रूप तीर्थम च त्रेतायाम पद्मसंभवम द्वापरि अवंतीपुरी कलो लोहारगल सुतम। हे नारद, युग की चार चौकड़ियाँ हैं, द्वापर सतयुग और त्रेता और कलयुग। अलग अलग युग में अलग अलग युग की प्रधानता रहेगी। सतयुग में कोई रूप तीर्थ था वो तो मुझे तो मालूम नहीं है, परंतु किताब में वर्णित है। त्रेतायाम पद्मसंभवम, त्रेता में रामावतार हुए, उस समय में पद्मसंभव नाम का तीर्थ था उसका मुझे मालूम है। पुष्कर का नाम पहले पद्मसंभव था, पद्मसंभव से पुष्कर नाम हुआ है। द्वापरी अवंतीपुरी, द्वापर में कृष्ण का जन्म हुआ, कृष्ण भगवान का, उसमें अवंतिका यानी उज्जैन, उज्जैन का नाम पहले अवंतिका था। द्वापरी अवंतीपुरी और कलो लोहारगल सुतम, कलयुग में लोहारगल का बड़ा महत्व रहेगा। और आज इसमें इस जल में इतनी क्षमता है, यदि यहाँ पितृदोष कोई पितरों का कोई दोष हो तो यहाँ तर्पण मात्र से ही कभी पितृस्वर दिखाई नहीं देते हैं, तुरंत प्रभाव से पितृदोष निवृत्त हो जाता है। यहाँ आज भी इसका इतना बड़ा महत्व है, इसलिए कहा गया है कि इदम तीर्थम पवित्रम निदानम लोहारगल तीर्थम वरम वरेण्यम, यह स्नान करोति मात्रम किंग दुर्लभ से सुवांछितार्थम, दुर्लभ से भी दुर्लभ मनोरथ को प्राप्त कर सकता है यदि यहाँ इस कुंड में स्नान किया जाए। और इसीलिए कवि ने भी कहा है, जिस नर की धिकार जिंदगी लोहा गिर नहीं आया, ऐसे करके ये तीर्थ क्षेत्र है। और इसमें दूर दराज से लोग आते हैं, बहुत दूर से यह लक्खी मेला होता है, और यहाँ जगह जगह यहाँ जो स्नान है, इस परिक्रमा में प्रथम लोहारगल है, यहाँ स्नान करके वो परिक्रमा चालू होती है। दूसरा करकोटी का है, किरोड़ी का नाम जो पहले करकोटी का था वो करकोटी का है, तो करकोट नाम का नागराज था, उसने भगवान शिव की घोर तपस्या की, तो करकोट और उसी के नाम से वो नगरी विख्यात हुई करकोटिका। आगे साकम्बरी है, शकराय माता है, जो दुर्गा सप्तशती में इसका वृतांत है, जैसे कि साकम्बरी थी विख्यातम तन्मेना भविष्यति, तो उसका साकम्बरी माता है। नागकुंड है, कोकुंड है, शोभावती है, टपकेश्वर है, फिर ये नीमड़ी घाटी है जो
है, फिर यहाँ आएंगे रघुनाथगढ़, फिर खोरी रामपुरा के कुह कुंड है, तो यहाँ स्नान करते हुए आते हैं लोग। इसमें बीच में एक बहुत बड़ा स्थान है, वो यदि आप देखना चाहें तो बहुत बढ़िया स्थान है, रावणेश्वर महादेव, जहाँ रावण की 3 पीढ़ियों ने तपस्या की। यहाँ कुलहस्त, विश्रपा और स्वयं रावण, 3 पीढ़ियाँ वहाँ तपी है रावणेश्वर महादेव में, तो वहाँ का भी वरदान है। कभी आपको दोबारा कभी बताऊँगा मैं इंटरव्यू में। और आज जो ये परिक्रमा है सिर्फ माल केतु की परिक्रमा है। बोलिए माल केत बाबा की।